हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी व्यंजन। स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली, झटपट बनने वाली इंस्टेंट पापड़ी चाट, जिसको हम बनाएंगे रोटी की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे रोटी से कैसे, तो यहाँ पर मैंने बची हुई रोटियों का यूज़ किया है जो मेरी दोपहर में बच गई थी। आप चाहें तो ताज़ी बनाकर यूज़ कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट रोटी की पापड़ी चाट। रोटी की पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो इस तरीके से है। यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, टमाटर, ये इसको दही फेटा हुआ, चिली सॉस, इमली की खट्टी मीठी चटनी, जीरा पाउडर, चाट मसाला और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकती हैं। यहाँ पर मैं झटपट बनने वाली रोटी की पापड़ी चाट बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए जो भी घर में अवेलेबल है मैं उनसे बना रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर की चटनी या हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस समय चिली सॉस था और ये खट्टी मीठी चटनी थी और चिली फ्लेक्स थे, तो मैं इनसे ही ये बहुत जल्दी बनने वाली चाट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रोटी की चाट बनाने के लिए। यहाँ पर मेरी ये दो रोटियाँ हैं जो दोपहर की बची हुई थी, तो मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ताज़ी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बची हुई रोटियों का इंस्टेंट बना रही हूँ, तो आप इनको इस तरीके से पीसीज में कट कर लीजिए। वन बाय वन आप इनको इस तरीके से कट कर लीजिए, आप जिसमें शेप में काटना चाहें। मैं ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप इनको कट कर लीजिए। इस रोटी को भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। दोनों रोटियों को हमने कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब आप इनको टर्न करते जाइए ताकि ये अच्छे से दोनों साइड से सिक जाएं। ये देखिए, ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है। सिर्फ हमें रोटी फ्राई करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और खाने में ये चाट बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी आपका मन करे शाम को स्नैक्स में कुछ खाना है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, तो आप फटाफट से बची हुई रोटी से ये चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं और सभी को सरप्राइज कर सकते हैं। देखिए अभी ये सिक गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी की रोटियों को भी हम निकाल लेंगे और इनको भी सेक लेंगे। अच्छी हुई, और ये देखिए इनकी मैं आपको साउंड सुनाती हूँ, ये कितनी क्रंची है। देखिए कितना अच्छा साउंड आ रहा है इनका, कितनी क्रंची है ये। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है, उसी में हम डायरेक्ट करेंगे और इनको जो रोटी है इसके थोड़े से टुकड़े कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है। जो थोड़े बड़े हैं उनको हल्का हल्का टुकड़े कर देना है। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। पता नहीं चलता है ये किस चीज़ से बनी है। इस तरीके से आप कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक चॉप किया हुआ, जितना आप पसंद करें। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे दही। अब इसमें हम डालेंगे चटनी है, आप जितना तीखा खट्टा पसंद करें आप उस हिसाब से डालें। ये चिली सॉस है, अगर आपके पास हरी चटनी अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उसके साथ मैं बना रही हूँ, इसलिए आप इसको इंस्टेंट बोल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं उसे आसानी से बहुत ही अच्छी ही चाट बना सकते हैं। और ये देखिए, ये चाट मसाला है, पाउडर है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक कटी हुई, ये मैं यहाँ पर कूटी हुई लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, जितना तीखा पसंद करें। तो अब आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें, क्योंकि अभी मैंने किसी भी चीज़ में नमक ऐड नहीं किया है, सिर्फ सॉस और चटनी में थोड़ा सा नमक है, तो ये नमक ऐड कर दिया और आपकी इंस्टेंट पापड़ी चाट बनकर तैयार है। मैं अब भुजिया हो, सेव भुजिया, आलू भुजिया, जो भी हो, मेरे पास बेसन के सेव थे तो मैं ये ऐड कर रही हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, झटपट बनने वाली रोटी की पापड़ी चाट बनकर तैयार है। इसको आप शाम को इस टाइम स्नैक्स में खाइए, बच्चों को खिलाइए, सरप्राइज़ कीजिए सभी को, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट चाट रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए और आप नेक्स्ट वीडियो मेरा वॉच कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।